मेरे पापा जब 15-16 साल के थे तो एक दिन ही क्या हुआ, हमारे घर के बाजू में एक दादाजी थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे, बहुत ब्रिलियंट थे, साइलेंट थे, मतलब वो उनको थोड़ा मंत्र तंत्र आता था। उनके साथ वो हर जगह पे जाते थे, उनको ज़्यादा लगाव था, वो ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे उनको, वो भी उनका खुद का बेटा जैसा वो प्यार करते थे। ये क्योंकि मेरे खुद के दादाजी को मेरे पापा नहीं देखे, वो जो पेट में थे तो मेरे दादाजी मतलब गुजर गए थे। वो हमेशा पहले तो नहीं था, मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं था, कंपलसरी सारे लोग मतलब नदी के किनारे जाते थे। जब रात हो गया, वो काम ख़त्म करके वो मार्केट से लेट आते थे वो दादाजी, वो आने के बाद मेरे पापा के साथ वो दिल्ली, हमारे घर के पीछे बाग है, बाग की एंडिंग में एक श्मशान है, श्मशान की साइड में जाएंगे वो नदी है। ऐसे सबकी बाग के पीछे मतलब घर के पीछे बाग है, बाग की पान है, श्मशान की साइड में नदी है। हर दिन की तरह वो दादाजी बुलाए मेरे पापा को, चलो आज चलते हैं नदी के किनारे चलते हैं। वो साथ में गए, रात को 11:30 बजे वो गए थे घर से निकल के। जाने के बाद वो नदी में पहुंच के, नदी के एक साइड में बोले दादाजी बोले, एक साइड में हम जाते हैं, एक साइड में तुम जाओ, दोनों तो एक साथ में नहीं बैठ सकते थे, ऐसे करके वो गए। वो कुछ दिन पहले एक औरत का डेथ हो गई थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी नहीं हो पाई, डिलीवरी के दौरान बच्चे के साथ उसकी मौत हो गई थी। पहले तो मतलब हॉस्पिटल पास नहीं था, लोग इतना मतलब एक्टिव नहीं थे, वो गांव के कोई था ही आता था, उसको चाहे कोई जानकार हो या ना हो, उसके भरोसे भगवान के भरोसे वो उसके हवाले कर दे देते, जिंदा रहा तो ठीक है नहीं तो नहीं, ऐसे ही बहुत सारे लोग मतलब मर जाते थे। एक धोबी जो कपड़ा मतलब क्लीन करते हैं ना, धोबी, वो धोबी जात की थी वो औरत, वो पहला बच्चा था उसका, वो बच्चा मतलब डिलीवर नहीं हो पाया तो उसका डेथ हो गई। तब क्या करते थे लोग, जो बच्चे के साथ माँ मर जाती थी, वो लकड़ी से लकड़ी को काटते हैं ना, ऐसे ऐसे करके क्या बोलते पता नहीं उसको, उसमें एक धोबी आता है जिसके डेथ हो जाता है, उसका पेट को थोड़ा काटता है, काट के बच्चा मतलब फॉर्मेलिटी में थोड़ा हाथ पैर कुछ निकालता है, कहते हैं बच्चे को निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको दफनाते हैं, जलाते हैं, कुछ भी करते थे। ऐसे नहीं करने से मतलब डायन बन जाती थी, ऐसे लोगों का मानना था, पहले ज़माने के लोग थे ऐसे ही करते थे। वो करने के बाद उसको ऐसे ही किए थे, थोड़ा काट दिए थे उसको पेट, वो धोबी काट दूसरा धोबी आके, वो तो धोबी जात की खुद ही थी, दूसरा धोबी आके उसका पेट को थोड़ा काट के उसका बच्चा थोड़ा निकाल लिया था, उसके बाद उसको जला लिए थे। वो सब लोग ऐसे बोल रहे थे, हम आज उसको उसका बीवी को इधर ही देखा, वो बड़ा था, वो रो रहा था, बोलता ये कर रहा था, बोलता, सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। उस जमाने में पता नहीं लोग कितना सच बोलते थे या कहानी सुनाते थे, या डर डर के उनको ऐसा ही कुछ दिख रहा था, ये तो भगवान को मालूम है। फिर क्या हुआ, सड़न आके वो दादा जिस साइड में थे उस साइड में वो औरत को जलाए थे, वो साइड में बोले तुम डरोगे तो मैं ये साइड में जाता हूँ, तुम ये साइड में जाओ। जाने के बाद मेरे पापा को अचानक से देखे, वो एक वाइट सा कलर साड़ी पहन के, एक औरत तो पैर में रख के, बच्चों को जैसे मसाज करते हैं ना ऐसे पैर में ऐसे रख के, आग जल रहा है, आग से वो डायरेक्ट हाथ ऐसे अंदर डाल रहा है, लाके बच्चों के से सेक रहा है, डाल रहा है हाथ बच्चों को लाके सेक रहा है। वो दादाजी बोले तुमको कुछ दिख रहा है तुमको, मेरे पापा बोले हाँ, बोले क्या दिख रहा है, बोले तुम्हारे पास तो कोई है, कोई औरत बच्चों को ऐसे सेक रहा है आग में हाथ डाल के, बोले तुम डर रहे क्या, मेरे पापा बोले हाँ, डरो मत तुम इधर आ जाओ, बोले मेरे पैर तो नहीं उठ रहा है मैं कैसे जाऊँ। वो दादाजी बोले डरो मत मैं हूँ ना, देखो मेरे पास है, मैं मर रहा हूँ क्या, नहीं मरूंगा, टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी हो जाए हमको तो दोनों को तो मतलब बीचों बीच तो आना पड़ेगा, उसके बाद हम घर जाएंगे, ऐसा नहीं कि उधर से तुम घर जाओगे हम इधर से घर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, तुमको तो कंपलसरी बीचों बीच तक आना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पापा डर डर के आए, आने के बाद अरे वो दादाजी आए, वो कुछ मंत्र मतलब बोल रहे थे। उसके बाद मेरे पापा आगे चले, बोले तुम आगे चलो मैं पीछे चलता हूँ, वो ऐसे वो गाली दिए, भाई डानी ऐसा करेगा वैसा करेगा, पता नहीं वो कुछ बोल रहे थे, वो मंत्र मंत्र कुछ गा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं होगा, पीछे नहीं देखना आगे देख के चलो।
उसके बाद तो दोनों चलने लगे। घर जब पहुंचे, मेरे पापा को ऑलरेडी ज़्यादा बुखार हो गया था, डर के मारे बहुत बुखार से कांप रहे थे। मैं वो दादाजी चेक किए, उनको बुखार है ज़्यादा। उसके बाद वो मंत्र तंत्र कुछ किए, वो बुखार उतर गया सडन से। किस तरह के मन का मेंटालिटी होता है, अगर मान लो आपके अंदर कुछ बीमारी नहीं है, आप सोचेंगे हमको कुछ बड़ा बीमारी है हमको, तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, कोई भी मेडिसिन आपको काम नहीं करेगा। अगर बड़ा बड़ा बीमारी होगा भी, अगर आप सोचेंगे यार कोई बात नहीं, ये सब लोग ठीक हो जाते, हम भी ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, तो आपको बीमार कुछ नहीं कर पाएगा। या तो आप हो सकता है अमर भर ना मिले आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तो आप जिंदा रहेंगे। जितना दिन में आपको मरना है ना, उतने में तो आपको नहीं मरने वाले, कुछ तो ज़्यादा दिन बचेंगे आप। ऐसा ही कुछ था शायद, पता नहीं। वो मेरे पापा डर की वजह से उनको बुखार हो गया था शायद, और वो जब मंत्र उच्चारण कर लिए, उनको लगा होगा वो ठीक जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, ये सोच के शायद मन की मेंटालिटी होगा या क्या पता नहीं। सब लोग को आके वो वही बोले, हमने देखा वो दादाजी बोले वो ये गांव का ये आदमी का उसका बीवी था वो, इसे बोले वो दोनों एक ही बात सबको बोल रहे थे, सब यकीन कर रहे थे। सब लोग बोले हम देखा, वो बोल रहे थे हम देखा, हम कितने बार देखा, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। पता नहीं वो लोग कहानी सुना रहे थे या सच था, ये तो भगवान को मालूम है। लेकिन मेरे पापा उस दिन के बाद कभी रात में गए नहीं, बोले हमको जाना ही नहीं, हम जो काम करना है ना दिन में ही कर लेंगे, हमको रात में किधर घूमना वूमना नहीं है, हम मर जाएंगे। हमने डायन देख लिया, हम भूत देख लिए, हम उसका बीबी को देख लिए, अगर वो नहीं होते तो हम मर जाते, उनके वजह से हम जिंदा रहे। पता नहीं वो क्या था, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ दिख जाता है, हो सकता है कुछ और हो सकता है आग जैसा हो सकता है इंसान जैसा कुछ और हो, जैसे आँखों का पर्दा हो, आँखों को कुछ दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिख तो जाता है भाई। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत लोग के साथ होता है, जो देखे जो खुद ही निभाए उन लोग को मालूम पड़ेगा, बाकी लोगों को तो कहानी लगेगा। हमको तो एक ही नहीं, पापा हो माँ हो कोई भी हो, हमने तो खुद नहीं देखा वो सिचुएशन, मतलब हम यकीन नहीं करते, लेकिन वो क्या सच्चाई था वो लोग को मालूम होगा, वो दोनों को और भगवान को मालूम होगा। रखते हैं, बाय बाय।